चलने दो भाई, उसको चलने दो। ओ कोई बात, आदमी नहीं होना चाहिए कोई, उसको चलने दो आराम से। आज उदितना आज पटांग में विद्या की जो फाइल तमाम क्षेत्र के अभी से आज एक फाइल विद्या हमने अनुभव में जो दुर्घटना हुई है वहां क्या प्रॉब्लम है तमाम कपड़ा भी मुला 12 साल 10 साल से 12 15 साल का बच्चा लंबा कपड़ा मोरियो ले लो एक शॉट लेटा तालुका की पास का जिस राष्ट्रपिता शिविर में बनी है, आज इस शिविर का लास्ट दिन था और उस दिन शॉर्ट सर्किट काफ़ी दृष्टि जो शॉर्ट सर्किट हम लोगों को लगता है उसके कारण आग लगी है और करीबन 60 से 70 टेंट कम्प्लीटली जल गए थे। 3 कैजुअल्टी भी हुई, 15 इंजर्ड हुए हैं और 300 को रेस्क्यू करने में आए हैं। मेडिकल की टीम, स्वाट की टीम सभी समय पर वहाँ पर पहुँच गई थी। साथ ही साथ शिविर के अंदर भी जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, NDRF की टीम थी, CISF की टीम थी, उन्होंने तुरंत स्टेज पे आकर के रेस्क्यू किया और उसकी वजह से कोई हमारत बड़ी हमारत होने से टली है। साथ ही साथ में जो बाहर स्टेट के बच्चे थे वो ऑलरेडी यहाँ से प्रस्थान की शुरू कर गए थे। मूलतः तीनों जो हैं बच्चियाँ हैं और तीनों लड़कियाँ गुजरात के सौराष्ट्र की, उनका आइडेंटिफिकेशन डिटेल में चल रहा है। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम हम स्थल पर करने की परमिशन दी है और आगे का प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। ફાઈટર છે કેમ અમારા છોકરા ઉઠા વિભાગમાં ફાયર ફાઈટર હતું અને NDRF ના 200 જવાનો હતા તરત મારી સાથે એ લોકો બે જણા છે મોહસિન મન કે તમે અમારી પાછળ આવો કરો પ્રાસલા રાષ્ટ્રીય શિબિરની અંદર અઘટિત બનાવ બનતા બનાવની જાણ થતાં અમારા કાર્યકર્તા અને આગેવાનો પ્રાસલા અને ઉપલેટા હોસ્પિટલ ખાતે તાત્કાલિક બધા પહોંચી ગયા હતા અહીં ઉપલેટા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 16 બહેનોને નાના મોટી ઈજાઓ અને ગૂંગણામણને કારણે લાવવામાં આવી હતી ડૉક્ટરોની ટીમ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અને ગામના સામાજિક આગેવાનો અહીં મદદરૂપ થવા માટે બધા દોડી આવ્યા હતા પોલીસ સ્ટાફ અને બાકીની ફોર્સ હોવાને કારણે મોટી દુર્ઘટના થતાં અટકી છે